अगर मेरी दो मिनट बात सुनेंगे तो मैं बात इंटरप्टेड बात है। देखिए सबसे पहले हमें दो बात समझने की जरूरत है। एक, जो दिल्ली सरकार एमसीडी को पैसे देती है, हमसे पहले शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी, उन्होंने 396 करोड़ रुपया दिया था 2013 से 2014 के बजट में। हमने 3 गुना पैसा दिया एमसीडी को, 900 गाइडलाइन के मुताबिक प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से 488 रुपया सीधा केंद्र देती है म्युनिसिपल बॉडी को। पूरे देश के अंदर में जितने भी म्युनिसिपल बॉडी हैं, सबके लिए केंद्र सरकार ने 2,78,000 करोड़ रुपया दिया, लेकिन दिल्ली देश की राजधानी है। हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, निगम में बीजेपी की सरकार है, आप सीधा पैसा क्यों नहीं दे रहे हो? क्यों दिल्ली के नागरिक या नागरिक नहीं है? 488 रुपया पर हेड के हिसाब से 5,000 करोड़ रुपया बनता है, और 5,000 करोड़ रुपया में सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह ही नहीं, ये पक्के भी हो सकते हैं, इनको एरियर भी मिल सकता है, दिवाली का बोनस भी मिल सकता है, लेकिन देते क्यों नहीं है? दिल्ली सरकार पोर्ट फाइनेंस कमीशन का बकाया क्यों नहीं दे रही है? जब 2700 करोड़ रुपया पोर्ट फाइनेंस कमीशन का बकाया अगर दिल्ली सरकार एमसीडी को दे दी जाए तो उसकी स्थिति कहीं ना कहीं बेहतर होगी। वही फाइनेंस कमीशन, ऐसा नहीं हो सकता कि फाइनेंस कमीशन की एक सिफारिश लागू हो सकती है, दूसरी नहीं हो सकती है। वही फाइनेंस कमीशन कहता है कि दिल्ली की जमीन दिल्ली वालों की है, यानी कि डीडीए दिल्ली सरकार को दे दो। केंद्र सरकार क्यों नहीं मीडिया को दिल्ली सरकार को दे देती है और कमीशन को, फाइनेंस कमीशन को दूसरी सरकार? मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ, एक सेकंड। एमसीडी के चुनाव हुए थे तो मनोज तिवारी जी ने कहा था, जगह जगह पे कहा था कि हमें पैसों की जब दिक्कत होगी तो हम सीधा केंद्र से ले आएंगे। आज पूर्वांचल के नाम पर महाकुंभ करने वाले अपने हाथ का पैसा तो केंद्र से लो, इसके लिए खराब की जरूरत है। देखिए मैं आम आदमी पार्टी से एक चीज पूछना चाहता हूँ कि जब आपने सरकार पर काबिज किया, आप कुर्सी पे बैठे, तो क्या आपको ये सब बातें पता नहीं थी कि इस तरह की परेशानियां हैं?